हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के रिटन नोट्स के बारे में, जो कि मैंने खुद अपने हैंड से प्रिपेयर किए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिटन में प्रॉब्लम आती है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखी हुई है फर्स्ट चैप्टर की, उनके लिए ये मैं रिटन नोट्स की वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि फाइनल पेपर्स में उनको क्या होता है कि कंसेप्ट तो क्लियर होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है हर एक पॉइंट की, वो पॉइंट उनको क्लियर नहीं होता, जिनकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सी लाइन लिखनी है और कौन सी स्केप करनी है, वो सभी मैं इस पार्ट में आपको बताऊँगा। सो फर्स्ट चैप्टर के थ्रेटिकल नोट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियोस देखकर आएं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें हम सिर्फ रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मैंने हैंड से नोट्स प्रिपेयर किए हैं हर एक टॉपिक के, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर करके आइए, तभी इस वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट या फिर मेरे नोट्स समझ आएंगे। सो चलिए इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे फर्स्ट पार्ट के जितने भी चैप्टर हैं हम सभी के रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले, फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी रिटन नोट्स प्रोवाइड करने हों, तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप देख पाएँ। मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी कुछ बेनिफिट हो जाए और आपके फ्रेंड्स को भी। सो चलिए फर्स्ट चैप्टर के रिटन नोट्स टॉपिक वाइज हम शुरू करते हैं। सो ये है हमारे पास फर्स्ट पेज। ऐसे ही मैं सभी पेजेस आपको प्रोवाइड करूंगा, टोटल 39 पेजेस हैं। कुछ सेकंड के लिए मैं वीडियो को पॉज करके रखूंगा, मतलब वही पेज आपके सामने रखूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक सभी पार्ट्स मैंने कवर किए हैं। सो ऐसे ही ये हमारे पास है सेकंड पेज। ऐसे ही मैं सभी पेज आपके सामने अनफोल्ड करूँगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राउट डाउन कर लीजिए, अपनी पेपर्स पे, अपनी कॉपीज पे इसको लिख लीजिए। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, अगर ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना है तो आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज, फोर्थ नंबर पेज। अगर मेरे को ये लगता है कि मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आने वाली नेक्स्ट जो चैप्टर है उनके भी मैं रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा, लेकिन प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरे रिटन नोट्स जो हैं वो आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज, सेवेंथ पेज, और टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट का थर्ड और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो ये हमारे पास नाइन्थ पेज नंबर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है, या फिर तीनों ही हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम्स आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में सबसे पहले हमें आर्ट का मीनिंग डिफाइन करना होता है, उसके बाद हमें आर्ट्स के फीचर बताने होते हैं कि आर्ट जो है उसके क्या फीचर हैं, फिर उन्हीं फीचर्स को हमें मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करना होता है। अगर आर्ट के सभी फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करते हैं
तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। सो इसीलिए सबसे पहले हमने आर्ट्स के फीचर डिफाइन किए हैं, इसके बाद हमने इन फीचर्स को मैनेजमेंट में कंपेयर किया है और लास्ट में कंक्लूजन दिया है। सो ये पूरा एक क्वेश्चन का प्रोसेस है जिसमें आपको आर्ट का मीनिंग डिफाइन करना है, फिर उसके फीचर्स और फिर उसको कंपेयर करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन प्रोवाइड करना है। सो ये हमारे पास कंपैरिजन उन सभी फीचर्स को जिनको हमने आर्ट में डिफाइन किया है। सो ये हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन जिसमें हमने ये डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शुरू हो जाता है मैनेजमेंट एज एन साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? सो इसमें भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले साइंस का मीनिंग डिफाइन करना है, फिर साइंस के फीचर्स डिफाइन करने हैं, फिर उसके बाद हमें कंपेरिजन करना है साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ, और अगर सभी फीचर्स अवेलेबल होंगे साइंस के मैनेजमेंट में तो हम कंक्लूड कर देंगे कि यस मैनेजमेंट भी साइंस है। सो यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है कंपैरिजन। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास है कॉन्क्लूजन। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जिसमें हमने ये डिफाइन करना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले हमें प्रोफेशन का मीनिंग डिफाइन करना है, फिर प्रोफेशन के फीचर्स डिफाइन करने हैं, और फिर उन फीचर्स को हमें कंपेयर करना है मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ, और अगर वो फीचर्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होंगे तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, अगर नहीं अवेलेबल तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। सो लास्ट में कंक्लूजन भी हमें देना होगा।
सो यहाँ पर हमारे पास शुरू हो जाता है कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमारे पास शुरू हो जाता है कंक्लूजन, जिसमें हमने ये डिफाइन करना है कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास शुरू हो जाता है पेज नंबर 22 और टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने मेरे कंसेप्ट वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाया है, तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको फाइनल पेपर में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से पर्सन टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, और फाइनली हम उनके फंक्शंस भी कंसीडर करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये हैं कुछ फंक्शंस जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें भी हमें पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर कौन से पर्सन्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं उसको बताना है, और फाइनली उनके कुछ फंक्शंस डिस्क्राइब करने हैं। सो ये हमारे पास सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 26 और टॉपिक हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो इसमें हम उन सभी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं या फिर जो मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग फंक्शन। सेकेंड हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन।
अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं और मेरा समझाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है स्टाफिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिंग फंक्शन। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन हमारे पास है कंट्रोलिंग। सो ये हमारे पास पेज नंबर 29 और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, और वो चैप्टर का ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सेपरेटली चैप्टर में नहीं प्रोवाइड किया गया, एक चैप्टर नहीं है इसके ऊपर, इसी चैप्टर में ये अलग टॉपिक आपको दिया गया है जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। और मोस्ट प्रोबेबली इसका लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 4 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको पेपर्स में देखने के लिए मिल ही जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैनेजमेंट में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फाइनल पेपर्स के लिए आपको हेल्प कर सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि क्या कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है, एसेंस का मतलब होता है क्या इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की मैनेजमेंट में। सो उसके ऊपर आपको लेंथी क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा। सो आपको भी पता है कि कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही मैनेजमेंट में, अब क्यों चाहिए और कैसे चाहिए वही आपको डिस्क्राइब करना है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी डिपार्टमेंट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो ये एक तरह की हम इम्पोर्टेंस डिफाइन कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। पहले हमने एक्सप्लेन किया था बिटवीन द डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो एक सिंगल डिपार्टमेंट है उसके बीच में जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया है कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सो उन 3 लेवल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, टॉप, मिडल और लोअर, तीनों की एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए तभी जो है वो मैनेजमेंट वर्क कर पाएगी। सो थर्ड पॉइंट में आपने ये बताना है कि कोऑर्डिनेशन 3 लेवल्स के बीच में भी चाहिए। सो
सो फोर्थ पॉइंट जो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंड विद इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो अभी हमने टोटल 5 फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया. सो इसमें कह रहे हैं कि जो 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एक मैनेजर के द्वारा, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. सो वो कैसे चाहिए इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. सो हमें ये डिफाइन करना है कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए. ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजिंग. सो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में कैसे रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास होता है स्टाफिंग. सो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, किसके बीच में चाहिए. मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है डायरेक्टिंग. सो इसमें हमें डायरेक्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए और किनके बीच में चाहिए. नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है कंट्रोलिंग. सो इसमें भी हमें वही एक्सप्लेन करना है कि कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए और किनके बीच में चाहिए. सो फाइनली नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं या फिर इसके नेचर क्या हैं. सो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका नेचर डिफाइन करना है. अगर आपको मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगे हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए. मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो फाइनली ये हमारे पास लास्ट पेज. सो लास्ट टाइम इस वीडियो के एंड में फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मेरे को डिस्क्राइब कीजिए कि ये वीडियो कैसी लगी.